Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की इटालियन बेल्जियन फिल्म मरीना के बारे में, जो कहानी है इटालियन सिंगर रोको ग्रनाटा की, जिसे गरीबी की वजह से अपने परिवार के साथ बेल्जियम जाना पड़ा था और बहुत मुश्किलों के बाद वो एक म्यूजिशियन बना। फिल्म की शुरुआत होती है 1948 के इटली में, जहां एक आदमी साल्वाटोर अपने 9 साल के बेटे रोको से उनके जाने के बाद उसकी माँ का ध्यान रखने के लिए कहता है। रोको समझ नहीं पाता कि उसके पिता वॉर खत्म हो जाने के बाद भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि वो बेल्जियम जा रहे हैं, जहां वो एक कोयले की खान में काम करने वाले हैं। बेल्जियम और उसके आसपास के देशों के पास बहुत पैसा है और वहां काम करके वो गरीबी से बाहर आ सकते हैं। उनका कहना है कि वो 3 सालों में बेल्जियम से वापस आ जाएंगे। साल्वाटोर की पत्नी ईदा उसके जाने से खुश नहीं थी, पर वो जानती थी कि उन्हें पैसों की जरूरत है। जाने से पहले ईदा और अपनी बेटी वांदा से अलविदा कहने के बाद साल्वाटोर रोको से बात करता है, जो अपने पिता की तरह अकॉर्डियन बजाना चाहता है। साल्वाटोर उससे एक नए अकॉर्डियन के लिए पैसे देने का वादा करता है। साल्वाटोर के जाने के बाद रोको ईदा की मदद करने में इतना बिजी हो जाता है कि अपने म्यूजिक क्लासेस के बारे में भूल ही जाता है, और ईदा उसे क्लासेस जाने के लिए कहती है, पर उसे हर बार क्लास पहुंचने में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। उसका परिवार हर रोज सिर्फ यही सोचता है कि साल्वाटोर के वापस आने में कितने दिन और बचे हैं। और एक दिन साल्वाटोर की चिट्ठी आती है, जिसमें उसने लिखा था कि ईदा बच्चों को लेकर बेल्जियम आ जाए। वो लोग इस फैसले से खुश थे, पर जैसा उन्होंने सोचा था बेल्जियम में वैसा कुछ नहीं था। साल्वाटोर वहाँ एक झोपड़े में रह रहा था, जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहने वाला है, और रोको को एक ऐसे स्कूल में भर्ती किया जाता है जहाँ इटालियन से कोई बात नहीं करता। स्कूल के बाद रोको की मुलाकात एक इटालियन लड़के से होती है, जो वहाँ की भाषा जानता है। रोको वहाँ के किराने वाले की बेटी हेलेना से दोस्ती करना चाहता था, पर उसे बताया जाता है कि उसे हेलेना की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पिता रेसिस्ट है और इटालियंस को तुच्छ मानते हैं। रोको को समझ आने लगा कि इस जगह पर इटालियंस की जिंदगी बुरी है और उनकी कोई इज्जत नहीं, और शायद रोको को भी अपने पिता की तरह कोयले की खान में काम करना पड़ सकता है। अगली सुबह साल्वाटोर रोको से कहता है कि उसे स्कूल ना जाकर अपनी माँ पर नजर रखना होगा, ये जानने के लिए कि उनसे मिलने कोई आता है या नहीं, पर रोको फिर भी स्कूल जाता है। एक इटालियन होने की वजह से उसके साथ बुरा बर्ताव होता है, पर वो घुलने मिलने की पूरी कोशिश करता है और फिर हेलेना से बात करने की भी कोशिश करता है। हेलेना और उसकी दोस्ती हो जाती है, पर उसके पिता वहाँ आकर रोको को वहाँ से भगा देते हैं। घर वापस आने पर वो साल्वाटोर से कहता है कि उसे अकॉर्डियन चाहिए, पर वो अकॉर्डियन लेने से इनकार कर देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है, जो बताता है कि साल्वाटोर ने 5 सालों के लिए यहाँ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और ये जानकर रोको चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके पिता ने उससे वादा किया था कि वो जल्द ही घर वापस जाएंगे, पर उसकी हरकत के जवाब में उसके माता पिता उसे थप्पड़ मारते हैं। उस रात साल्वाटोर उसे समझाता है कि वो पैसे कमाना चाहता है और जल्द ही वो बहुत सारे पैसे कमाकर वापस इटली चले जाएंगे। वो कहते हैं कि वो उसे अकॉर्डियन सिर्फ एक शर्त पर देंगे, अगर वो म्यूजिक को सिर्फ एक हॉबी की तरह रखे, और रोको के वादा करने के बाद वो उसे अकॉर्डियन दिलाते हैं। उस दिन से साल्वाटोर रोको को अकॉर्डियन बजाना सिखाते हैं, और इस बात को 10 साल गुजर जाते हैं। साल्वाटोर अब भी कोयले की खान में काम कर रहा है, और रोको को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, और इसीलिए वो सिर्फ म्यूजिक सीख रहा था। अपने म्यूजिक क्लासेस की तरफ जाते वक्त उसे हेलेना दिखती है, जिसे देखकर वो अपनी साइकिल से गिर जाता है, और तब हेलेना उसे एक कंपटीशन के बारे में बताती है और कहती है कि अगर वो हिस्सा ले तो वो रोको को परफॉर्म करते हुए देखने आएगी। साइकिल से गिरने की वजह से उसका अकॉर्डियन टूट चुका था, और उसके टीचर ने कहा कि अगर उसे कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो उसे नया अकॉर्डियन खरीदना होगा, पर वो जानता था कि नए अकॉर्डियन के लिए उनके पास पैसे नहीं है। साल्वाटोर एक रेडियो खरीद के लाता है, पर रोको इस बात से खुश नहीं होता। वो कहता है कि उसे अकॉर्डियन चाहिए, क्योंकि वो उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है, पर उसके पिता ये जानकर नाराज हो जाते हैं कि रोको को एक म्यूजिशियन बनना है, जबकि उसने वादा किया था कि म्यूजिक को वो सिर्फ एक हॉबी की तरह रखेगा। उन दोनों की बहस के बाद साल्वाटोर रोको को वहाँ ले गया, जहाँ वो काम करता है। वो उसे दिखाना चाहता था कि वो कितनी मेहनत करके उनके लिए पैसे कमाता है, और उनके साथ काम करते हुए रोको को समझ आता है कि उनके काम में जान का कितना खतरा है।
उन दोनों ने ही एक दूसरे से किए वादे तोड़े थे और एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। रोको को पैसे कमाने थे और फिर एक दिन सबको पता चला कि वो एक अच्छा मैकेनिक है। मैकेनिक की नौकरी से वो पैसे कमाने लगा और उसका हाथ बटाने के लिए इदा ने दूसरों के कपड़ों की धुलाई और आयनिंग करना शुरू किया, जिसकी मदद से रोको एक अकॉर्डियन खरीद पाएगा। साल्वतोर एक मतलबी आदमी था जिसका मानना ये था कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, इसलिए इदा अपने काम की बात उससे छुपाने लगी थी। इतना ही नहीं, रोको अपनी कला से भी पैसे कमा रहा था और हेलेना को वो पसंद आने लगा। पर हेलेना के पिता को रोको का उसकी बेटी के पास रहना पसंद नहीं था। वो उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर वो दायरे में ना रहा तो उसके पिता को वो नौकरी से निकलवा देंगे। साल्वतोर रोको को समझाता है कि उसे अपने लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जिसके साथ रहने से उसकी जिंदगी में तकलीफें ना बढ़े, और इसलिए हेलेना या बेल्जियम की किसी भी लड़की से प्यार करने के बारे में उसे सोचना भी नहीं चाहिए। पर रोको अपने आप को हेलेना से दूर नहीं रख पा रहा था। उसके पिता की बातें उसके दिमाग में थी, फिर भी वो हेलेना के पास चला गया जो ये सोचने लगी थी कि रोको उससे कभी नहीं मिलेगा, और इसलिए उसने वो गाने नदी में फेंक दिए जो वो रोको के लिए लाई थी। पर रोको उन गानों को नदी से निकाल कर वापस उसके पास ले आया। कॉम्पिटिशन का दिन पास आने ही वाला था और तब इदा ने रोको को अकॉर्डियन के पैसे दिए। रोको अकॉर्डियन खरीदने गया, पर जब उसने बताया कि उसके पास अकॉर्डियन के पूरे पैसे नहीं है तो उस दुकानदार ने उससे कुछ गाने बजाने के लिए कहे, और उसने कहा कि वो जानता है एक दिन रोको उसे पूरे पैसे देने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि उसे रोको के टैलेंट पर भरोसा है, और उसने कम पैसों में रोको को अकॉर्डियन बेच दिया। कॉम्पिटिशन के दिन रोको के माता पिता और बहन के साथ हेलेना भी उसे देखने आई, और तब साल्वतोर को पता चला कि वो हेलेना से प्यार करता है। रोको कॉम्पिटिशन तो जीत गया, पर जब उसके पिता को ये पता चला कि अकॉर्डियन के पैसों के लिए इदा ने क्या काम किया है तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रोको से नाराज होकर वो उस अकॉर्डियन को फेंक देते हैं और कहते हैं कि म्यूजिक एक असली पैशन नहीं है। वो कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस घर के लिए पैसे कौन कमाएगा, और म्यूजिक से उसे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए उसे अपने लिए एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। उन सबके जाने के बाद मौका मिलते ही वांडा उस अकॉर्डियन को वापस घर में ले आती है, और ये बात उसने साल्वतोर से छुपाई। रोको मैकेनिक का काम करने लगा और इस बात से साल्वतोर को खुशी हुई। पर एक दिन रेडियो पर उन्हें खबर मिली कि माइनिंग एक्सीडेंट में हजारों की मौत हो गई है, जिनमें से 750 इटालियंस भी थे, और उस दिन को आज भी सबसे दर्दनाक दिनों में से एक माना जाता है। रोको मैकेनिक की नौकरी तो कर रहा था, पर अपने पिता से छिपकर वो अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ पब्स और बार्स में गाने लगा। अपने पिता के कहने पर हेलेना को एक रईस खानदान के लड़के रेनात के साथ रहना पड़ रहा था, पर वो मौका मिलते ही रोको के पास आ जाती है। एक दिन अचानक पब में पुलिस आई जो उन लोगों से प्रोफेशनल कार्ड मांगने लगे, पर वो कार्ड रोको के पास नहीं था और इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। इदा को रोको का बार में गाना बजाना पसंद नहीं था, पर रोको अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। वो लोग जो इटालियंस की इज्जत नहीं करते थे, म्यूजिक की वजह से वही लोग उसके गानों पर नाचते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, और इसीलिए रोको म्यूजिशियन बनना चाहता था जो अपने ऊपर हो रही नाइंसाफी से थक चुका था। इसीलिए जब रेनात ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया, और साथ ही उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। इतना ही नहीं, रोको ने अपने माता पिता से भी कह दिया कि वो म्यूजिक नहीं छोड़ेगा, पर लाख कोशिशों के बाद भी उसे प्रोफेशनल कार्ड नहीं मिला, क्योंकि उसके पिता एक इमिग्रेंट वर्कर है, जिसका मतलब ये था कि वो कहीं भी गाने बजाने की परमिशन का हकदार नहीं है। इसके बाद वो उस आदमी से मिलने गया जो धोखाधड़ी करता है, और उससे अपने लिए नकली पेपर्स बनवाए ताकि वो एक म्यूजिशियन की नौकरी कर सके, और पेपर्स पाते ही वो अपने ग्रुप के साथ काम करने लगा। एक दिन हेलेना को देखकर उसे एक नए गाने की इंस्पिरेशन और उस गाने का नाम मिला, और इस तरह रोको ग्रेनाटा का सबसे फेमस गाना मरीना बना, और वो गाना उस पब के मालिक को इतना अच्छा लगा कि उस गाने को रिकॉर्ड करने की बात की गई। तभी वहाँ हेलेना आई और उसने बताया कि उसने रेनाट को छोड़ दिया है, और ये सुनते ही रोको उसे लेकर वहाँ से निकल गया। उस रात उन दोनों को समझ आया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और उन दोनों ने वही रात बिताई, और तब रोको को लेने उसका दोस्त आ गया क्योंकि अगले दिन उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए जाना था। रिकॉर्डिंग की बात जब साल्वतोर को पता चली तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक तरफ जहां रोको अपनी जिंदगी का पहला बड़ा काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ पुलिस ने जबरदस्ती उसके घर आकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। उन्होंने पूछताछ के बाद साल्वतोर को गिरफ्तार कर लिया,
और इस सबसे अनजान जब रोको घर वापस आया तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन जाने पर उसे बताया गया कि पिछली रात हेलेना के साथ गलत हुआ है और उसका इल्जाम रोको पर है। रोको के लाख समझाने के बावजूद वो लोग उसकी बात नहीं मानते और तब रोको को बचाने उसका दोस्त जैक आता है, जिसने रेनाट को हेलेना के साथ गलत करते हुए देखा था। रोको इस बात से नाराज था कि वो लोग रेनाट को गिरफ्तार नहीं कर रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हेलेना का मंगेतर है। पर जेल से बाहर आते ही रोको हेलेना से मिलने चला गया और उसे पता चला कि हेलेना की हालत कितनी खराब है। जब वो अपने घर वापस आया तो साल्वाटोर ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और फिर उसे एक और बुरी खबर मिली, उसके गाने को रिलीज होने से रोक दिया गया, ये कहकर कि अभी किसी को भी एक अकॉर्डियन वाले लड़के का गाना नहीं सुनना है और लोग सिर्फ रॉक एंड रोल सुनना चाहते हैं। इसलिए रोको खुद अपने सारे रिकॉर्ड्स खरीद कर लोगों के पास खुद जाकर उन्हें अपना गाना बांटने लगा ताकि उसका गाना लोगों तक पहुंचे। हेलेना के पिता से मिलने पर उसे पता चला कि हेलेना अब अमेरिका चली गई है और हेलेना के लिए रखी कॉपी वो उसके पिता को दे देता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि साल्वाटोर का काम करते वक्त एक्सीडेंट हो गया है और सब कुछ छोड़कर रोको अपने पिता के पास चला जाता है। जब उन्हें होश आया तो सबको ये भी पता चला कि उन्हें टिनिटस हुआ है, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जहां दोनों कानों में हर वक्त घंटी की आवाज आती है जिससे तकलीफ होती है। वो अब भी रोको से नाराज थे और ना तो उसका गाना बनने से खुश थे, ना उसे अपने आसपास रखना चाहते थे। उनकी तबीयत देखकर साल्वाटोर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि 6 महीनों बाद उन्हें घर से भी निकाला जाएगा। साल्वाटोर में अब लड़ने की हिम्मत नहीं थी और वो वापस इटली जाने की बात करने लगे। अपने परिवार को इस मुसीबत से निकालने के लिए रोको कोयले की खान में काम करने का फैसला कर लेता है, पर साल्वाटोर को एहसास होता है कि 10 सालों तक उसने इतना काम किया फिर भी अंत में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। पैसों के लिए रोको ने अपना अकॉर्डियन बेच दिया और कुछ महीनों का खर्च निकालने के लिए उन्हें पैसे मिल गए। फिर एक दिन किसी चमत्कार की तरह रोको को खबर मिली कि शहर में हर किसी को उसके गाने खरीदने हैं और इसकी शुरुआत हेलेना के पिता ने की है, जो हर जगह रोको का गाना बजा रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे देशों से भी रोको के गाने की डिमांड्स आने लगी और रेडियो पर सिर्फ और सिर्फ रोको छाने लगा। अंत में रोको को न्यूयॉर्क बुलाया गया मरीना के प्रमोशंस के लिए, जो अब दुनिया का सबसे सक्सेसफुल गाना बन चुका था और दुनिया की हर सड़क पर हर म्यूजिशियन वही गाना बजाने लगा था। परफॉर्मेंस के दौरान उसने अपने पिता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उनकी बहुत इज्जत करता है, और ये सब कुछ सुनकर और अपने बेटे को सक्सेसफुल होते देखकर साल्वाटोर को भी अब अपने बेटे पर नाज होने लगा था। और तब थिएटर में गाना बजाने से पहले रोको को हेलेना दिखी, जो उसकी कामयाबी देखकर उतने ही खुश थी जितने खुश हेलेना के पिता और खुद साल्वाटोर थे। साल्वाटोर, जो हर वक्त दबकर और डरकर जी रहा था, अब गर्व से सबको बता सकता था कि उसका बेटा कौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।